प्रणाम गुरु जी। कुशल बेटा, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं और मास आए हैं करने हट्टी से, काचरा पराने हट्टी। ठीक है, ये सारे रोग कष्ट थे आपके और सब स्मृतियां इसकी जड़ से नष्ट हुई। जो रोगों की जड़ है सब नष्ट हुई। सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस की स्मृतियां थी। शरीर में सूजन था, भोजन नली में घाव बन रहा था, घुटनों में दर्द होना, चुभन होना। डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी। पेट में दर्द होना, चुभन होना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, घाव बन रहा था, फाइब्रॉइड्स हो गए थे। अपच की स्मृतियां थी, बॉडी ऑटोइम्यून हो रहा था। फाइलेरिया की स्मृतियां थी, बुढ़ापे की स्मृतियां थी। पसलियों में जकड़न होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था। कमर में दर्द की स्मृतियां थी, स्पाइन कमजोर हो रही थी। भुलाने वाली स्मृतियां थी, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया था, हड्डियां झड़ रही थी। कैंसर की स्मृतियां थी, रेक्टम में, लीवर में, किडनी में, ब्रेस्ट में, गले में, श्वास नली में और यूट्रेस में। बाबा जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए। 4 महीने पहले से मैं वीडियो देख रही थी और देखना स्टार्ट किया और देखते देखते मेरा शरीर का सारा ही रोग चला गया। जो ग्लूटेन एलर्जी थी वो भी चले गई, कमर दोनों साइड दर्द होता था, टेल बोन में प्रॉब्लम था, सारा सेस हो गया अपने आप। उसके बाद 2 महीने बाद मैं भाई भाई का वनडे करवाने आई। वनडे करवाने के घर जाने के बाद घर में मेरे को सब कोई मुक्ति मांग रहा था, पता नहीं कौन था पर मेरे से मुक्ति मांग रहा था और सब मेरे को पागल समझते थे, बोले पूरा दुनिया को छोड़कर तुमसे कोई मुक्ति क्यों मांगेगा। और एक दिन मेरे को गला टीप के मारने की कोशिश की गई। हाँ उस दिन तो मैं 20 तारीख को, ये हाल की 20 तारीख को, और मैं कोई लगा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मेरे को कोई टान के ले जा रहा है। और धीरे 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 मैं कोमा में जा रही थी और 10 बजे तक मैं हॉस्पिटल गई और बस मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही। बोले आप बाबा का नाम लेके दिखाओ, खाली बोल रहा बाबा का नाम लेके दिखाओ और मेरे मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। लास्ट में 2-12 बजे रात को एक टाइम मुंह से आवाज निकला, जैसे जब कोई टानने लगा तो बाबा बचा लीजिए। एक बैग बाबा सामने खड़े हो गए और उनका जो टंट है ना उनसे ऐसे किए और वो छोड़ दिया। छोड़ के जैसे लगा कि मैं पूरा कांपने लगी, बाबा ये कौन था। थोड़ी देर के बाद बोले कि मेरे को नहीं पता, तुमको पता है, तुम जो 20 साल 21 साल से तुम पाल के रखी हो उसको खून का भोग चढ़ाती हो। हम बोले मैंने तो कभी खून का भोग, बोले जो हाथ काटी हो तुम वो सब तो उस तुम्हारा खून का ही भोग लिया है। और मैं पूरा कांपने लगी। उसके बाद सुबह तक ठीक हो गई। बाबा बोले कि हम है ना तो तुम कभी तो कभी हाथ काट ली थी। हाँ गुस्सा बहुत ज्यादा आता था, कोई मेरे को गाली देता था तो मैं हाथ काट लेती थी तो सब ठीक हो जाता था, और मतलब सब ठीक हो जाता था। हाँ तो तो बोले वही जो खून तुम बात बात खून में। का हाँ भोग दे दे करके और अपने को ठीक रखती। वो तो दैत्य शक्तियां थी सब, है ना। और हाँ पितरों, और आपके बाबा पितरों बोले को भी मेरे दबा को के कि रखते थे, पितरों को भी आपके देखो दबा तुम्हारा के खून रखते। खून चाटने आया था, यहाँ से जब खून निकल गया तो बेड पे गिरा और देखो वो खून चाटने आया था, तुमको मारने नहीं आया था, तुम्हारा खून का भोग चाहिए था उसको। बिल्कुल, सब गंदगी गई हमेशा के लिए। अब गई बेटा, यही सब तो गंदगी बाबा रहती बोले कि है। आप मेरे पितर पास आओ, आए तुम थे, मेरे पास आओ। आपने आपने अपने मायके पक्ष वाले पितर तो मुक्त करा दिए थे, ससुराल पक्ष के आपके जो पितर थे मुक्ति नहीं पाए, हाँ तोड़ हाँ मांगते थे कि और सब हमको मेरे मुक्ति। से मुक्ति मांग रहे थे, रात हाँ को सोने नहीं देते थे। बिल्कुल, तो यही सब था। आपके पितर भी तमाम संकट में थे, इन सब दैत्यों के प्रभाव में, कष्ट में रहते थे। अब सब गए, इसीलिए आप आनंद में हो, हमेशा अच्छे रहोगे। और कल एक महामन करने का दरबार की ओर से निःशुल्क है। बाबा का ये है कि हम बच गए, नहीं तो उस रात मेरे को मार ही देते। हाँ हाँ वो होता ही बेटा, ये गंदगी रहती है, यही सब समस्या रहती है। अब सब अच्छा हो गया अभी भी ऐसे। बोलने से मैं पूरा शरीर कांप रहा है। हाँ ऐसे ऐसे यूट्रेस वगैरह यूरी सब खराब हो रही थी, दरबार ने सब स्वस्थ किया। यूट्रस कैंसर है, सोते जा रहा था, क्लिपेन ट्यूब में घाव बन रहे थे, ओवरी में सड़न हो रही थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, दर्द व चुभन बनी रहती थी। ऐसे आप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास और है। 18 साल से मैं पान खा रही थी, 18 साल से मैं 10-15 पान डेली खा जाती। एक दिन बाबा जी से पान का भोग चढ़ाया और मैंने कहा कि बाबा आप कब तक खाओगे, मेरे को तो ये पूरा सड़ गया है खाते खाते, ये कौन है जो मेरे को खिलाता है। बस उस दिन से मेरा पान खाना ही छूट गया।
बस बाबा बोले अब नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं खिलाएगा तुमको पान, और छूट गया। और सब बोलते थे कि पागल है क्या, कोई पान खाना छुड़ा सकता है, तुम तो 15-15 पान खा जाती है सारा दिन में। हाँ, तो हम बोले देखो छूट गया, और मेरे बेटे वो पान का टोकरी उठा के फेंक दिए। खुश रहो बेटा, कल एक महावन करिए, दरबार की ओर से कराया जाता है निशुल्क। बाबा जी, बस मेरे को एक ही प्रार्थना है कि मेरे घर में मीट मछली सब बहुत खाते हैं और दारू पीते हैं, वो तो तो वो जो छुड़ा भी दीजिए। संकल्प करेगा, जो भी संकल्प करेगा तुरंत चला जाएगा, छू ही नहीं सकता, कभी नहीं छू सकते, कभी नहीं छू सकते, है ना। मेरे संकल्प लेने से छूट जाएंगे। आप भी संकल्प करिएगा तो अपने आप पे सबको घिन होने लगेगी, है ना। कोई एक बाबा जी आप प्रणाम। जगह वहां से जुड़े रहने का समस्याएं हैं। जय जय।